आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इससे पहले अमित शाह से वो मिलने पहुंचे थे और अब यह बड़ी जानकारी तो मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने मुलाकात की नितिन गडकरी से, इससे पहले अमित शाह से मिले। आपको बता दें अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इन तमाम एक बार फिर से इनको कैबिनेट में शामिल किया गया। इन तमाम लोगों ने एक बार फिर से शपथ ली और उसकी बधाई देने के लिए माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जहां एक बार पहले अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, उसके बाद उनसे मुलाकात कर उनको बधाई देने के बाद अब वो गडकरी से मिलने के लिए पहुंचे और नितिन गडकरी को भी उन्होंने बधाई दी है शपथ के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश को एक भरपूर जिम्मेदारी, भरपूर हिस्सेदारी दी गई है कैबिनेट में। 10 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश से 10 सांसद मंत्री बने हैं और इस सबके बीच योगी आदित्यनाथ का मुलाकात का यह दौर। और दीपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े, दीपेश का सीधे रुख कर लेते हैं। दीपेश, पहले अमित शाह से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की और अब जानकारी ये भी है कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल, ये सौजन्य भेंट है और ये इन मुलाकातों का दौर आज दिन भर चलने वाला है। चूंकि कल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके कैबिनेट में 71 मंत्रियों ने शपथ ली है और जिसमें अब जो केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उन मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकले हुए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तीसरी बार अब जो सरकार NDA की बन चुकी है और अब आज से कुछ देर बाद पोर्टफोलियो भी जो है वो मंत्रियों को मिल जाएंगे, तो फिर उससे पहले सौजन्य मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे और अब आज सुबह वे सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की और अब नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद वे राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीर भी आएगी जब राजनाथ सिंह से उनकी सौजन्य मुलाकात होगी और बुके देकर उन्हें। ठीक है दीपेश, और सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी बनी हुई ग्राउंड जीरो पर और उनके साथ रामदास आवले भी हैं। ओवर टू यू प्रियंका। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जी, हम इस वक्त रिपब्लिक भारत पर लाइव हैं, लाइव है इस वक्त, लाइव है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी, एक सेकंड सर, लाइव चल रहे हैं हम। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन कल हमने देखा कि किस तरीके से जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो रामदास अठावले जी भी उस मंच पर थे। रामदास जी कल हमने देखा आप भी सर, एक मिनट लाइव चल रहे हैं, एक मिनट लाइव, कल हमने देखा रामदास अठावले जी, कल हमने देखा आप भी मंच पर मौजूद थे, जीत को अपनी कविता के माध्यम से आप कैसे कहना चाहेंगे? हाँ, तो मतलब एक तो ये लड़ाई थी आर पार, ये लोकसभा की लड़ाई थी आर पार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने की है राहुल गांधी जी की हार। गांव गांव की जाग रही थी नार, गांव गांव की जाग रही थी नार, इसलिए आ गई है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को तीसरी बार मौका में मिला है और जरूर कुछ सीटें कम आई है, लोकतंत्र में आगे पीछे होता है। कई सालों तक बीजेपी अपोजिशन में रही, अभी 10 साल से सत्ता में आई है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी मतलब अपोजिशन में बैठने की आदत लगानी चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे उनको गालियां देना, उनको खिलाफ बातें करना, ये कांग्रेस पार्टी ने छोड़ना चाहिए। रामदास अठावले जी, कल आप 7 लोक कल्याण मार्ग पर गए थे पीएम आवास पर, उस बैठक में आप शरीक हुए थे, चाय पर थे, उस बैठक में क्या चर्चा हो रही थी, आपसे क्या कहा गया, क्या जिम्मेदारी की बात? हाँ, मतलब एक तो जिम्मेदारी तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उस पोर्टफोलियो का स्टडी करना चाहिए, वो पोर्टफोलियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों से हमेशा संवाद रखना चाहिए। और जो 100 दिन का उन्होंने जो प्लान बनाया है, सरकार आने के बाद उन्होंने पहले बोला था कि भाई 100 दिन का मेरा प्लानिंग है और 100 दिनों में बहुत सारे निर्णय करने के बारे में चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे निर्णय हो जाएंगे, गरीबों को न्याय देने के निर्णय हो जाएंगे।
आप राज्य मंत्री रहे, सामाजिक और न्याय सशक्तिकरण का मंत्रालय आपने संभाला, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री की मांग आपकी तरफ से कही जा रही है। हालांकि आपने ये भी कहा कि अगर वो मंत्रालय नहीं भी मिलता है कैबिनेट का पद, तब भी हम मोदी सरकार के साथ रहेंगे। हाँ, मतलब मेरी इच्छा थी कि भाई मैं 8 साल से राज्य मंत्री हूँ और मेरी पार्टी देश भर में है, लेकिन बात सही है कि मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है और 1-2 मेंबर होने वाली कई पार्टियां एनडीए में हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय मोदी साहब का भी थोड़ा सा, मतलब उनको भी, उनके सामने भी समस्या थी, या चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार जी है, ऐसे कई नए भी मित्र अपने साथ आए हैं, तो इसीलिए जो भी मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से क्या मांग रखी जा रही है, कौन सा मंत्रालय, कौन सा कैबिनेट पद आप चाहते हैं? नहीं, मैंने कोई मांग नहीं रखी है, जो भी मंत्रालय देगा मैं अच्छे से संभालूंगा। मैंने सोशल जस्टिस का मंत्रालय 8 साल तक मैंने संभाला है, अभी और भी दूसरा मंत्रालय अगर मुझे मिलता है तो वहाँ भी मैं अच्छा काम करता रहूंगा और लोगों से हमेशा संवाद करता रहूंगा, उनको न्याय देने का काम करता रहूंगा। अठावले साहब, आप दलित और आदिवासियों के मसीहा रहे हैं, ऐसे में आपको आपको क्या लगता है कि जो एक कांग्रेस ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई है, दलितों को भ्रमित करने का काम किया? बात सही है कि दलितों को, माइनॉरिटी को भ्रमित करने का काम इंडिया आघाड़ी ने किया है। राहुल गांधी ने बार बार संविधान का किताब लोगों के सामने लाकर ये लोगों को बताया भाई संविधान बदलने वाले है, लेकिन मैं राहुल गांधी को सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश का संविधान कोई बदल नहीं सकते है, किसी बाप का बाप भी आएगा तो भी संविधान नहीं बदल सकते है, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो लोगों में भ्रमित करने का काम हुआ है और समाज में फूट डालने का काम हुआ है। कल हमने देखा जब वहां पर शपथ ग्रहण चल रहा था राष्ट्रपति भवन में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो हमें दिखे, लेकिन इंडिया ब्लॉक से और कोई दिखा नहीं, इसको आप क्या कहेंगे और अपनी कविता के माध्यम से अगर कोई निशाना साधना चाहेंगे? अभी कविता का विषय नहीं है, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सभी पार्टियों को न्योता दिया था, लेकिन उनको आने में, मतलब यहाँ वो उन्होंने दिखा सकते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात लगातार हम कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस वरीयता के साथ उत्तर प्रदेश अब और ज्यादा अपनी जिम्मेदारी के साथ केंद्र में भूमिका निभा रहा है, साथ ही ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है उत्तर प्रदेश को। कौन कौन लोग हैं ये आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो कि वाराणसी से सांसद हैं, वो तो हैं ही, जिनकी चर्चा भी लगातार होती रही है। एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद चुने गए, जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी, उनको भी केंद्र में जगह दी गई। जितिन प्रसाद पीलीभीत से हैं, हालांकि वो योगी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन उनको पीलीभीत से चुनाव लड़ाया गया। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा, जिनका अचानक से नाम सामने आता है, शाम को शपथ लेते हैं, वो भी कमलेश पासवान बासगांव। राजनाथ सिंह लखनऊ से, जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, इस बार कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी अभी तय नहीं है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद चुने गए हैं और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद चुनी गई हैं। और इसमें आप देखिए पूर्वांचल का दबदबा है, पूर्वांचल ज्यादा मजबूत दिख रहा है, भले ही पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें नहीं आई हो जो उम्मीद की गई थी, नुकसान हुआ है इस बार पूर्वांचल। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके पहले हमने आपको दिखाया कि नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। कोमल, ओ टू यू। जी बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह के आवास के बाहर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि अमित शाह से मुलाकात करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उसके बाद वो नितिन गडकरी के आवास पर भी पहुंचे थे। और ये श्रेष्ठा भेंट जो मुलाकात है वो बताया जा रहा है, श्रेष्ठाचार भेंट मुलाकात बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, बड़े चेहरे जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जब से शपथ ग्रहण के बाद चुनावी हलचल पूरी तरह से यहाँ पर तेज़ हो गई है, तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं उत्तर प्रदेश के वो भी
देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच अभी राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। और अगर इस बार चुनाव की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, उसी को लेकर के जब से इसके पहले शनिवार को भी हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा लखनऊ में जितने भी सांसद वहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे मुलाकात की थी, रिव्यू मीटिंग बुलाई थी, और लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है, चूंकि देखिए अब शपथ ग्रहण के बाद और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहली मुलाकात अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की हुई है, और इस मुलाकात के बाद वो नितिन गडकरी से पहुंचे थे मिलने, और अब वो राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके बाद जो सूत्र हमारे, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला फैसला लिया शपथ ग्रहण के बाद। ये पहला फैसला किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त को लेकर ये फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला फैसला, किश्त जारी कर दी गई है, किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त को जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही शपथ ग्रहण समारोह, और उसके बाद अब लगातार एक्शन मोड पर प्रधानमंत्री मोदी। पदभार संभालने के बाद पीएम का यह पहला फैसला और बहुत बड़ा फैसला किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त को प्रधानमंत्री ने जारी किया है, तो यह पहला बड़ा फैसला है। आपको बता दें आज पहली कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है, उसमें भी कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त को जारी कर दिया गया है। जैसे ही अभी कुछ देर पहले उन्होंने पदभार संभाला, और यह बड़ा फैसला, यह बड़ा कदम किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि की जो 7वीं किश्त है उसको जारी कर दिया गया है। आज पहली कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है, 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार है, और इसी कड़ी में आपको बता दें ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है। तो किसान सम्मान निधि की जो 7वीं किश्त है उसको जारी कर दिया गया है, और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 9.3 लाख करोड़ किसानों को फायदा होगा। यह बड़ी डिटेल मिल रही है कि 9.3 लाख किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। तो पदभार संभालने के बाद यह वाकई एक बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जैसे वो लगातार कहते रहे कि किसान उनके लिस्ट में काफी टॉप पर हैं, और इसी कड़ी में किसानों से जुड़े तमाम जो फैसले हैं वो लेते रहे हैं। और अब ये बड़ी बात है कि देखिए जो पहला फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किसानों से जुड़ा लिया है, और आपको बता दें तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इससे फायदा होने वाला है। पदभार संभाला और ये बड़ा फैसला पीएम